आप सभी को योग दिवस पर मेरे नमस्कार। आज हम कुछ आसान योग आसन करेंगे। हम 3 योग आसन और 1 प्राणायाम करेंगे। तो मेरा पहला आसन है पद्मासन, और इसके फायदे भी मैं आपको बताऊंगा। इसके फायदे हैं, इससे आपके जोड़ में पैर के जोड़ मजबूत होते हैं, आपके पैर इसमें मसल्स पैर की जो होती है वो मजबूत होते हैं, और इसकी मुद्रा कुछ इस तरह से होती है। अब हमारा अगला आसन है ताड़ासन, और इसके फायदे हैं, इससे हमारी हाइट लंबी होती है, हमारा वजन कम होता है, और हमारी पीठ की जो रीढ़ की हड्डी वो मजबूत होती है, और इसकी मुद्रा कुछ इस तरह से। अब हमारा अगला आसन है मत्स्यासन, और इसके फायदे हैं कि इससे जो है हमारी कमर, हमारे हिप्स, हमारे पैरों सब फ्लेक्सिबल होते हैं, हमारी फ्लेक्सिबिलिटी में ये मदद करते हैं, और इसकी मुद्रा कुछ इस तरह से है। ये था हमारा आखिरी आसन। अब हम करेंगे प्राणायाम, और प्राणायाम के फायदे होते हैं, इससे हमारी लंग्स जो है वो अच्छी होती, मजबूत होती है, हमारी सांस लेने की प्रक्रिया में बदलाव आता है, और इसको कुछ इस तरह से करते हैं। और इसमें एक चीज का जरूर ध्यान रखना होता है, इसमें हम सांस जब लेते हैं तो सिर्फ पेट का प्रभाव आता है, पेट अंदर बाहर होता है इसमें। योग से मेरी जीवन शैली में ये बदलाव आए, मैं अपने क्रोध पे काबू कर नियंत्रण पाना सीख पाया हूँ, मुझ में स्फूर्ति आई है, और कंसंट्रेशन भी अच्छा हुआ है मेरा। धन्यवाद।